नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतीक्षा किचन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाना देखेंगे कुल्फ़ी प्रीमिक्स, और इससे हम दो अलग अलग तरीके की कुल्फ़ी बनाना सीखेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड की मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3/4 कप यानी कि 125 ग्राम यहाँ पे मैंने ली है पीसी हुई चीनी। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ यहाँ पे हम मिलाएंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्स। मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हमें ऐड करना होगा 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इन्हें मिक्स करके आप मिक्सर में एक बार चर्न ज़रूर कर लें। तो देखिए, ये हमारा कुल्फ़ी प्रीमिक्स बनके तैयार हो चुका है। जब भी आप इसे बनाओ, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो मार्केट से, एक्सपायरी डेट चेक करके ज़रूर इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुल्फ़ी प्रीमिक्स बन चुका है। चलिए अब बनाते हैं कुल्फ़ी। तो जितना हमने प्रीमिक्स लेना है उसके डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पे मिल्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज मैं 1 कप प्रीमिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मिल्क। आप यहाँ पे कोई भी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गाय का दूध या फिर टोंड मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब हमने आइसक्रीम बनाना देखा था उसमें हमने देखा था कि आपको फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन जब हम कुल्फ़ी बना रहे हैं तो आप टोंड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 कप दूध मिलाने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर की वजह से दूध में बहुत जल्दी लम्स आ जाते हैं। इसलिए आपको इन्हें अच्छे से रिमूव करना है और बाद में हमें कुक करना है। कुल्फ़ी बनाने के लिए आप हमेशा थिक बॉटम वाले बर्तन का ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम दो अलग तरीके से कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे अब मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना दूध और इसमें हम केसर के कुछ धागे डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो देखिए, ये अब हमारा कुल्फ़ी प्रीमिक्स जो है वो अच्छे से कुक हो गया है, थिक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने आइसक्रीम के लिए किया था। और ठंडा होते समय भी आपको इसे चलाते हुए ही ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है जब भी आप स्पेसिफिकली कोई डिश बना रहे हो, उससे आपकी डिश टेस्टी भी बनती है और परफेक्ट भी बनती है। मैंने एक कांच के बाउल में जो हमने कुल्फ़ी का प्रीमिक्स कुक करा था वो निकाल के रखा है और अब इसे चलाते हुए ही मैं ठंडा कर रही हूँ। इस तरीके का कुल्फ़ी मोल्ड बाज़ार में आराम से अवेलेबल हो जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस तरीके का कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों भी चीज़ें अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आप स्टील के ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से कुल्फ़ी सेट हो जाएगी और बाद में आपको कट करके रोल कुल्फ़ी की तरह भी खा सकते हैं। कितना आसान है ना घर पे कुल्फ़ी बनाना। तो चलिए फिर एक साइड में हम यहाँ पे सेट करते हैं मावा कुल्फ़ी। फ्रेंड्स, हमारे घर में ये कुल्फ़ी कई बार बनती है और हमें इसी तरीके से ये कुल्फ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मावा इसेंस का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो 2 से 3 ड्रॉप मावा इसेंस के डाल सकते हो। और बातों ही बातों में मैं भूल गई थी कि मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं, तो अब मैं यहाँ पे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ और इसे ही मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम इस कुल्फ़ी को सेट करने के लिए रखेंगे रात भर के लिए। एक साइड हमें मावा कुल्फ़ी बनानी है और दूसरे साइड में हम बनाने वाले हैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी। चलिए फिर इन ड्राई फ्रूट्स को भी हमने मिक्स कर लिया है, आगे की प्रोसेस देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और आप भी इस तरीके से कुल्फ़ी ज़रूर बनाएं, बनाना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हमारी है केसर पिस्ता कुल्फ़ी।
तो हमने जो केशर का दूध बनाया था वो अब प्रीमिक्स में ऐड करेंगे। ध्यान रखिए प्रीमिक्स हमेशा ठंडा होना ही ज़रूरी है जब भी आप इसे सेट करने के लिए रखते हो। इसी के साथ मैं 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पिस्ता इसेंस और कुछ पिस्ता के छोटे छोटे टुकड़े। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हो खूबसूरत सा येल्लो कलर हमारे कुल्फ़ी के प्रीमिक्स में आ गया है। आप चाहो तो येल्लो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर और गहरा कलर आपको कुल्फ़ी में चाहिए। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद में अब हम यहाँ पे सेट करने के लिए रख देते हैं। जितना हमने प्रीमिक्स इस्तेमाल किया है इसमें 5 से 6 कुल्फ़ी आराम से आपकी बन जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइजीन की। जब हम घर पे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो साफ़ सुथरा और हाइजीनिक होता है, उसकी गारंटी हमें होती है। तो इस तरीके से प्रीमिक्स बना के 2 से 3 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हो रूम टेम्परेचर पे। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बस प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, जैसे मिल्क पाउडर कॉर्नफ्लोर। अब ये तैयार हो चुका है और अब हम इसे सेट करने के लिए रखते हैं। रात भर सेट करने के बाद में अब हमारी ये कुल्फ़ी बन चुकी है। चलिए अब देखते हैं इसे अनमोल्ड कैसे किया जाता है। बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मार्केट में होता है। एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उस बर्तन में अब हम इस कुल्फ़ी के मोल्ड को रखेंगे कुछ 20 से 30 सेकेंड के लिए। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इसलिए ये जल्दी से अनमोल्ड हो जाता है। ऊपर से आप इस तरीके से पानी भी डाल सकते हो और 20 से 30 सेकेंड के अंदर ये कुल्फ़ी हमारी अनमोल्ड हो जाएगी। आराम से आपको इसे हिलाते हुए ही निकाल लेना है। अगर ये नहीं निकल रहा है तो आपको इसे थोड़ी देर और पानी में रखना है और बाद में ही इसे निकालना है। तो देखिए यम्मी डिलीशियस ये हमारी मावा कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। कितना आसान है ना इसे बनाना, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये हमारी पिस्ता मावा कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। हाइजीनिक, पॉकेट फ्रेंडली और सबसे इम्पोर्टेंट लंबे समय तक चलने वाली। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।